हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस। वी आर रीडिंग चैप्टर टू टुडे। चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अंग। हम भोजन के अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इन द लास्ट वीडियो वी हैव रीड डेफिशिएंसी डिजीज, इन चीज़ों की कमी से होने वाले रोग, कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से किस प्रकार से हमें एनर्जी कम मिलती है, और प्रोटीन की कमी से शरीर की बढ़त रुक जाती है, और विटामिन्स की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। नाउ टुडे टॉपिक इज मिनरल डिफिशियंसी, खनिज पदार्थों की कमी से होने वाले रोग। मिनरल्स हेल्प इन मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। खनिज पदार्थ शरीर में रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां नीचे तालिका में बताई गई हैं। नंबर वन इज कैल्शियम। कैल्शियम इट इज़ फाउंड इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। यह दूध में और हरी पत्ते वाली सब्जियों में मिलता है। इट इज़ यूजफुल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। यह हमारे दांतों और हड्डियों के लिए लाभकारी है। इसकी कमी से बड़ों में हड्डी का रोग ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? ब्रिटल बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बहना कहीं चोट लग जाए तो, पुअर मसल मूवमेंट, और मसल मांसपेशियों का मूवमेंट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। इसके सोर्स क्या हैं, किन चीज़ों में मिलता है? फिश, एग, मछली और अंडा और मीट, इसके अलावा मिल्क, चीज़, पोटैटो, ब्रेड, दूध, चीज़, पनीर, आलू और रोटी, इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग, कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियाँ सही प्रकार से बढ़ नहीं पाती, कमज़ोर हड्डियाँ रह जाती हैं, एंड नर्वस सिस्टम और नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम भी लाभदायक खनिज पदार्थ हैं। ये हमें एग, अंडे में, मिल्क, दूध में, चीज़, पनीर में, पोटैटोस, आलू में, साल्ट, नमक में मिलते हैं। इसकी कमी से पैरालिसिस, पक्षाघात का रोग, बॉडी एंड मसल वीकनेस, शरीर और मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, इसकी कमी से शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। आयरन, लोहा, लौह तत्व, ये दालों के, साबुत अनाज के द्वारा, सेरेल्स, पल्सेस, दालों के द्वारा, मीट, मांस के द्वारा और हरी सब्जियों के द्वारा मिलता है। इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, हमारा शरीर पेल बॉडी यानी पीला पड़ जाता है, शरीर का रंग, बॉडी फैटिग्यू, शरीर निर्जीव सा हो जाता है, सोया नसें शरीर की सोई सी हो जाती हैं, एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड वीकनेस कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैग्नीशियम भी एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। इसके सोर्स
चीज़, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेरल, साबुत अनाज, चिकन, मुर्गा, फिश, मछली, ये भी इसके स्रोत हैं। इन चीज़ों में ये पाया जाता है। इसकी कमी से वीक मसल्स एंड नर्व्स, मसल हमारी मांसपेशियां और नसें कमज़ोर हो जाती हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने पीने में कमी हो जाती है, अपसेट स्टोमच और पेट सही नहीं रह पाता। इसलिए हमें इन मिनरल्स का सही प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। जो दूध हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, पनीर है, आलू है, तो दालें हैं, साबुत अनाज है, सभी का थोड़ा थोड़ा प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन भी एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है, खनिज पदार्थ है। ये सी फूड में और साल्ट में, हमारे खाने के नमक में, जो आजकल नमक आता है, समुद्री नमक आता है, उसमें आयोडीन वैसे तो अपने आप ही मिलता है, लेकिन कंपनियां भी उसमें मिलाती हैं और पैकेट के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट, यानी इस नमक में आयोडीन की मात्रा मिली हुई है। इसकी कमी से गोइटर यानी घेंगा, गलघोटू रोग हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों का गला फूला सा होता है, तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। हमारे गले में थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, वह बड़ी हो जाती है। मेटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ, और शरीर में या तो इसके कारण शरीर सूखने लगता है या शरीर बहुत ज़्यादा फैलने लगता है। थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण या तो शरीर सूख जाता है या मोटापा बढ़ने लगता है। बिना खाए पिए ही आदमी मोटा हो जाता है, इसलिए आयोडीन भी बहुत ज़रूरी है। फ्लोरीन भी आयोडीन की तरह महत्वपूर्ण खनिज है। यह भी सी फूड में, समुद्री चीज़ों में, भोजन में और चाय से मिलता है। इसकी कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत टूटने लगते हैं और हड्डियां कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। इसलिए हमें सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर खानी चाहिए। हरी पत्ते वाली सब्जियां बच्चों को और दाल भी ध्यान से खानी चाहिए। दूध का भी प्रयोग अपने नित्य दैनिक जीवन में करना चाहिए। बच्चों को इन चीज़ों का परहेज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। शरीर में पानी की कमी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में 60-70% पानी होता है। हमारे खून, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारा खून का संचरण सही नहीं होगा, ऊर्जा सही नहीं होगी। ऊर्जा का जो सारे शरीर में संचरण है वो रुक जाएगा और हमारे यहाँ पाचन तंत्र भी काम नहीं करेगा और हमें ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिल पाएगी। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। ज़्यादा पानी शरीर से निकलना और खनिज पदार्थ निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में शरीर कमज़ोर हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है, जिससे व्यक्ति को पर्याप्त ऊर्जा नहीं रहती और इसलिए उसे ध्यान से पानी पीना चाहिए। इसके लिए सादे पानी की बजाय ORS घोल पिलाना चाहिए। यदि किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो उसे सादे पानी की जगह ORS घोल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच शुगर चीनी मिलाइए और उसमें चुटकी भर नमक डालिए और उसे हिलाकर, चम्मच से हिलाकर घोल लीजिए, तो आपका ORS घोल तैयार हो जाता है। इसे ताज़ा बनाकर आप ताज़ा ही मरीज को पिला सकते हैं, जिससे उसकी हालत ठीक हो जाएगी और उसमें और कमज़ोरी नहीं आ पाएगी और वह बीमारी से लड़ने में सक्षम होगा। ओके स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुल्ली, ध्यान से पाठ पढ़िए और अपना वर्क करते रहिए।
आज जो बुक वर्क भेजा है उसे भी करिए, और पहले क्वेश्चन आंसर भेजे थे उन्हें भी करिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो स्कूल में फ़ोन करिए। ओके, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक।